अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप मेरे सामने बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त सा एक ब्रश देख रहे हैं, जो कि स्ट्रेटनर ब्रश है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे हम जल्दी जल्दी से वर्किंग करें, अपने बालों को ब्रश करें, और साथ ही हमने कहीं जॉब पर जाना होता है, किसी ने टीचिंग करनी है, किसी ने कहीं काम पर जाना है, तो उन बालों को जल्दी जल्दी से सीधा करें और अपनी स्टाइलिंग करें और जाएं जी। अच्छा, कई लड़कियों को स्ट्रेटनर यूज़ भी नहीं करना आता, तो इसलिए ये उनके लिए ब्रश है। ये जेंट्स भी यूज़ कर सकती हैं जिनके कर्ली बाल हैं और अपने बालों को सीधा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट है। और लंबे कर रहे हैं आजकल जिस तरह फैशन आ रहा है, और ये लेडीज़ के लिए भी बेस्ट है। ये अमेज़ोन का प्रोडक्ट है, यूके के लिए बना हुआ था, तो ये हम लोगों ने मंगवाया है। तो अभी मैं आपको इसे ओपन करके वर्किंग करके सारा दिखाती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। देन जी फ्रेंड, ये इलेस्ट्रा ब्यूटी जो है ब्रश है, और इसकी जो स्टाइलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अभी मैं अपने हेयर के ऊपर आपको इस ब्रश को अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी वर्किंग कैसी है। तो अंदर से इसे ओपन करते हैं, तो अंदर से इसके साथ ये जी इसकी कॉपी निकली है, तो हाई क्वालिटी बना हुआ है। ये जी इसका ट्रैवलिंग बैग है, जिसके अंदर आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे अब मेरे पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई हैं, जिनका मैंने वन बाय वन करके अनबॉक्सिंग करनी है और साथ में उसकी वीडियो बनानी है, अप्लाई करना है बालों के ऊपर। तो अगर किसी को इस चैनल पे कोई इंटरेस्ट है और कोई देखना चाहता है ये सारी वीडियो, तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये जी इसके साथ इन्होंने क्लिप्स दिए हुए हैं, जिससे आप बड़े हाई क्वालिटी क्लिप्स हैं, जिनके साथ आप जी अपने बालों को थोड़ा सा सेक्शन बना के तो आप कर सकते हैं। ये सारा इंपोर्टेड माल है, ये पाकिस्तान का नहीं है, यूके के लिए बना हुआ है। ये देखिए, आप स्विच से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जी इसका हाई क्वालिटी स्विच है, और ये जी इसका ब्यूटीफुल सा ज़बरदस्त सा इसका ब्रश है। यहाँ इसका LED जो है मेंशन भी होगा इधर, और ये जी इसके ऊपर कैप जो मैं उतारने वाली हूँ, और ब्रश बहुत ही हैवी लोडिंग है। और यहाँ से आप पीछे से देख सकते हैं, ये जी सारा लिखा हुआ है इसकी ओरिजिनल की सारी जो निशानियाँ होती हैं ये सब लिखा हुआ है। ये जी ब्यूटी ब्रश आप देख सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं इस ब्रश को आपके साथ अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसकी वर्किंग कैसी है। हाई क्वालिटी लग रहा है, तो इसे वर्किंग करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो लें जी फ्रेंड, बाल मेरे कुछ इस तरह के हुए हुए हैं, और इन बालों के ऊपर आज मैं आपको ये वाला जो ब्रश है अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। ईजी है, तो अब बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे इनके सेक्शन बना लूँ, सेक्शन बना के और कॉम करके। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर करके ना मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं, तो ये जी मैं ट्रेस्मी का जो आप देख सकते हैं, तो ये जी मेरे पास हीटिंग स्प्रे है, हीट स्प्रे, जिससे बाल थोड़े से सेफ रहेंगे। तो ये मुझे मिला है 670 का, 670 का। अब ये इसकी प्राइस का पता नहीं, लेकिन मैंने कल ही लिया है, तो अब मैं आपके सामने इसे अप्लाई करके देखने वाली, क्योंकि मैंने इसका बड़ा नाम सुना था कि भाई ये बहुत अच्छी वर्किंग करता है, तो आज मैं इसे अप्लाई भी करूँगी अपने बालों के ऊपर। तो देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। तो स्मेल जो है इसकी, जो फ्रेगनेंस है इसकी, बड़ी खूबसूरत सी है। तो बालों को थोड़ा थोड़ा सा करके तो मैं सेक्शन बना लेती हूँ। बोले जी फ्रेंड, लेफ्ट सेक्शन मैंने बना रही है, पिन इसकी बहुत अच्छी निकली है, ये वाली, इससे ही मैंने ये सेक्शन बनाए हैं। और इसका जो बैग है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो बैग है, सेविंग बैग, जिसके साथ अभी तो ये बिल्कुल पैक्ड है, या जिसके अंदर आप इसे सेव करके कहीं भी ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं, मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो चले जी, इसे मैंने 410 पे इसे मैंने प्री हीट किया है, यहाँ से ऑन और प्लस और माइनस के बटन्स हैं। तो इसे मैं अब आपके अपने बालों के ऊपर जो है वो अप्लाई करने लगी हूँ। हमेशा ब्रश को इस तरह से अप्लाई करते हैं बालों के अंदर ले जाके, तो ये देखिए जी फ्रेंड, इसमें एक ही दफ़ा में बालों को
मुझे लगता है ज़्यादा बालों को भी कट गया, पिंज में खुल गई ऊपर से। अच्छा जी फ्रेंड, ये जेंट्स बड़े अच्छे तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इससे कितनी जल्दी बालों को, अंदर से सारे इसके रॉड जो है ना वो सारे के सारे गर्म हो चुके हैं। आप रिजल्ट देखिए, सारे मेरे बाल बड़े ज़्यादा फ्रीजी हैं, नीचे से लगते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीजी। ये जिनके बाल, जिन लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, लाइट वेट बालों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो फटाफट से ये भी बालों को मैं करती हूँ। ये देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हुए हैं, मुझे लगता है कि इनके तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो मैं एक दफ़ा से आपको करके दिखा देती हूँ, फिर मैं फटाफट से एक दफ़ा कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने बाइक, ये देखिए जी, यहाँ से आपने लेना है। एक दफ़ा में ये कर रहे हैं, इधर के बाल कितने ज़्यादा फ्रीजी हैं और ये देखिए ये कितनी जल्दी से हो गया। तो अब मैं फटाफट से ये बाल करती हूँ आपके सामने ताकि आपको सारी समझ आ जाए। और लें जी फ्रेंड, ये रिज़ल्ट आया है। अच्छा, जिन लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में अपने बालों को स्ट्रेट करना है और बहुत ज़्यादा जिनके वीवी बाल हैं उनके लिए ये बेस्ट नहीं है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हैं लाइट वेट बाल, जो अपने बालों को डैमेज भी नहीं करना चाहती और बालों में एक स्टाइल भी लेके आना चाहती हैं और बालों में एक को स्ट्रेट भी करना चाहती हैं और बालों को बड़े फास्ट तरीके से कहीं भी जाना भी चाहती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट चीज़ है, आप ट्रैवल पे जाएं, जल्दी जल्दी से अपने बालों को ब्रश करें और कोई भी स्टाइल आप अवेल कर सकती हैं, बालों को सीधा कर सकती हैं। तो उसके लिए ये मैं अच्छा प्रोडक्ट्स बना हुआ है। 410 पे इसका टेम्परेचर है, मेरे ज़रा फ्रीजी बाल हैं तो मेरे बालों पे इसने स्ट्रेटनिंग जैसी नहीं लेकिन ब्रश जैसी अच्छी वर्किंग कर दी है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि वर्किंग नॉट बैड, बहुत बुरी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत हाई क्वालिटी के स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोलैक्स और टिटेनियम प्लेट्स, इन चीज़ों की एक आदत पड़ गई है मेरे दिमाग में। ज़रा सा ऐसे है जो मेरे लो हीट पे जो है ना कोई स्ट्रेट जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं आता, लेकिन ये लो पे रख के इसने मेरे बालों को बड़ा अच्छे से टेक्सचर से इसने मेरे बालों को सीधा किया है और आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। और लाइट बालों के लिए, जिनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट भी हैं और कर्ली भी हैं उनके लिए बेस्ट है, और जिनके बाल ये हैं हल्के हैं, हल्के बालों के लिए ये बहुत अच्छा ब्रश है, मेरे लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप इसे बाय कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, वरना मैंने नीचे नंबर दिया है न्यू एलिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।